न्यूज़ट्रैक के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त लखनऊ के जाने माने लोहिया अस्पताल में खड़े हुए हैं और कहते हैं कि डॉक्टर जो होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन इस अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो कितने असहाय हैं आपको इस बात से पता चल जाएगा कि मरीज़ यहाँ सड़क पर लेटा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और डॉक्टर हैं कि उसे ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे हैं। पिछले तकरीबन 2 घंटे से ये महिला अपने पति की जान बचाने के लिए परेशान हो रही है, लेकिन डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। ये महिला पिछले 2 घंटे से लगातार 108 एम्बुलेंस पे कॉल कर रही है, लेकिन आलम यह है कि अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई है। नहीं एडमिट कर रहे हैं, यही तो मुश्किल है। ये मशीन काम कर रही है? ऑक्सीजन दी भाई, ये बता पा नहीं हमें तो पता नहीं सर। चलने दीजिए, अभी चलने दी। 29 29 हाँ 98 नॉर्मल होती है। इनको होश में लाइए थोड़ा सा, उनके माथे थोड़ा कपड़ा थोड़ा सा ठंडा करके लगाइए कुछ। इनको ऐसे होश में रखिए, देखिए बढ़ रही, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, 34-35 हो रही है। बढ़ रही है। मास्क को मास्क तो हटा दो उनके, और सांस नहीं थोड़ा, हाँ थोड़ा सा ऐसे रहने दीजिए। हाँ ले चलो भैया, आराम से उठाओ। पकड़े रहो भैया। यहीं रख दो भैया, आराम से। सर आप बाहर हो जाइए, आप लोग बाहर हो जाइए। हाँ बाहर ही हम लोग भैया। आप लोग ये भीड़ मत लगाइए आप भैया, यार हम लोग पिछले कई घंटों की मेहनत आखिरकार रंग आई और हॉस्पिटल ने उनके एडमिट कर लिया है। पिछले काफी देर से यहाँ मीडिया वाले लगातार इनकी खबर को प्रमुखता से चला रहे थे और डॉक्टर से बात कर रहे थे। आखिरकार डॉक्टर्स ने मानवीय संवेदनाओं के आधार पर उनको अभी तो हॉस्पिटल में ले लिया है और शायद अब उनकी जान भी बच जाए। ऐसे ही पल पल की खबरें देखने के लिए आप newstrack.com के साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही पल पल अपडेट करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।